आज के न्यूज पॉइंट पर? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रबंधक सबसे अच्छा माना जाता है जो कि फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सके। अब मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा था डरो मत, तो पहले तो जनता के मन से डर हटा, फिर आपने देखा सीएजी के मन से डर हटा। सीएजी ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जो कि कहा जाता था कि साहब वो पहले 2014 के पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और एक प्रकार सीएजी ने पर्दाफाश कर दिया कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। अब दूसरा डर हटा है सीवीसी का, और सीवीसी ने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें जो आ रही हैं वो होम मिनिस्ट्री से आ रही हैं। तो होम मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो द्वय, जो दो आदमियों का समूह ये कहता था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज दे रहे हैं, उसमें वो खुद गिरे हुए हैं। महिला और बाल कल्याण विभाग के अंदर जो एक प्रकार का पर्दाफाश हुआ है भ्रष्टाचार का, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस शासन तंत्र में, जो मैंने प्रश्न आपके चर्चा में 5-6 दिन पहले राजीव जी पूछा था, ये कैसे संभव है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज है तो महंगाई इतनी हो रही है, इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, 90% लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। ये संभावना तब तक नहीं है जब तक कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो। और आपने देखा कि अब क्या हुआ है कि डरो मत का प्रभाव सीवीसी पे भी पड़ गया है, सीएजी पे भी पड़ गया है, सुप्रीम कोर्ट भी जिस प्रकार के निर्णय ले रहा है, इसका माने वो भी अब भयमुक्त तो हो गया है और ये मानता है कि जो संविधान के प्रति उसका निष्ठा है और जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने की उसको आवश्यकता है। अब केवल दो एजेंसी ऐसी बची हैं जो डर रही हैं, जिनका डरो मत का नारा उन तक पहुंचना है, उसमें एक सीबीआई है और ईडी है। मुझे आशा है 15-20 दिन में शायद सीबीआई और ईडी भी अपना रुख बदल लेंगे, क्योंकि उनको 2024 के चुनाव का अंदाजा हो गया क्या होने वाला है। दूसरी बात समझिए, देखिए फुटबॉल के मैच में जैसे होता है कुछ सेंट्रल फॉरवर्ड होते हैं, कुछ बैक्स होते हैं, कुछ गोलकीपर्स होते हैं। इंडिया टीम की जिस प्रकार से संरचना हुई है आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल, ये सेंट्रल फॉरवर्ड की तरफ, एनडीए की तरफ गोल करने के लिए पूरी तरह से आक्रमण की मुद्रा में हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार गोल को सेव किए हुए हैं, और इंडिया की जो टीम बनी है उसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व है, हर समाज का प्रतिनिधित्व है, उसमें आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, युवा भी हैं। आप ये देखिए कि एक प्रकार की ऐसी संरचना कांग्रेस ने कर दी है जिसमें सप्पल साहब भी हैं, जिसमें पवन खेड़ा भी हैं, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत भी हैं, तो ये जिसमें कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता हैं, इसका मतलब ये है। और जो इन लोगों में ऊर्जा है, इनके अंदर एक प्रकार, और देखिए कितनी अवनति हो गई है राजीव जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों में इतनी गिरावट आ जाए। मेहसाणा के एक स्कूल के अंदर 15 अगस्त में उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए था जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स वो किए हैं, प्राप्त किए हैं, और मेहसाणा के उस स्कूल की, क्योंकि टॉपर एक मुसलमान लड़की थी, उसको इनाम नहीं दिया गया, नंबर 2 की लड़कियों को इनाम दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, और अगर आप शिक्षक होते हो, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं, इस प्रकार का भेदभाव एक शिक्षण संस्था में एक शिक्षक का द्वारा किया जाना, इसका माने पराभव भीषण रूप से हो गया है। जो गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की हमारी परंपरा है उसको तोड़ा है, जो गुरु धर्म है उसका पालन नहीं हुआ है, इसका माने सारे संस्कारों का हनन हो रहा है। और वास्तविकता में जो अब भय मुक्त समाज बन रहा है, इसी से मुझे ये आशा है कि 2024 और 2023 में इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है, और अब ये समाज ऐसा बनेगा जिसमें सब प्यार मोहब्बत से 142 को। नजरिया समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो दिशा सही है? आज की तारीख में क्या राहुल गांधी को लद्दाख जाना चाहिए था, या राहुल गांधी को कहीं और जाना चाहिए था, बिहार में घूमना चाहिए था या उत्तर प्रदेश में घूमना चाहिए था, ये भी लोग कहते हैं, इसलिए इन तमाम चीजों से जरा इस पर विश्लेषण होना भी चाहिए, या राहुल गांधी को ज्यादा समय उधर तेलंगाना या राजस्थान में देना चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं, फालतू का चले गए वहां, कहा जा रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए राजीव जी, मैं केवल कांग्रेस या राहुल गांधी की बात नहीं, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है
और 3-4 घटनाओं से ऑब्जर्वेशन किए। अखिलेश यादव को 5-6 दिन पहले मैंने सुना और मैं व्यक्तिगत तौर पे सामने बैठ के सुना, जिस प्रकार की स्पष्टवादिता अखिलेश यादव ने और जिस प्रकार के इज्जत के शब्द उन्होंने राहुल गांधी के लिए प्रयोग किए, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की टीम है, मैं कांग्रेस की सब बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया की टीम की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था फुटबॉल का, सेंट्रल फॉरवर्ड को अगर पास अच्छा मिल जाए तो गोल करने में देर नहीं लगती। आज की तारीख में मैं जो देख रहा हूं, जो इंडिया की टीम है उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। कल मैंने एक कार्यक्रम किया जिसमें मैंने एंकरिंग की, उसमें 3 समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को मैंने बुलाया था, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं, उन राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति जिस प्रकार के अच्छे भाव प्रदर्शित किए, ये मैंने पिछले 50 साल में नहीं देखे। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए श्रद्धापूर्वक बातें की, और देखिए सीडब्ल्यूसी के गठन की हम बात कर रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के गठन में एक प्रकार से कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का बागडोर इनडायरेक्टली सौंप दी है, और अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह खुलेआम कह दिया है कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ जाएं तो हम वहां मोदी जी की जमानत जब्त करवा देंगे, और वहां के आप जातीय जो समीकरण है उसको जानते हैं। देखिए वो सेना जीतती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। अभी तक जो अपोजिशन के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी, हर आदमी जीतने के लिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए खेलता था। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि इंडिया टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन है और एनडीए के अंदर भगदड़ है, वहां कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा। वहां केवल कोऑर्डिनेशन अगर दिख रहा है, अब तो अडानी जी और अंबानी जी का भी कोऑर्डिनेशन टूटता हुआ दिख रहा है। अब तो मेरे को यह खबर मिल रही है कि अडानी जी भी व्यग्र है, परेशान है, किस प्रकार से पल्ला छुड़ाएं और किस प्रकार से इंडिया टीम के साथ जुड़ जाएं। और यह कोऑर्डिनेशन अब तो मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में भी नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी राजनाथ सिंह जी की और नितिन गडकरी की बात छोड़ दीजिए। तो एक तरफ वो टीम है जो कि छितराई हुई है, बिखराई हुई है, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं इंडिया टीम में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। एक और राजीव जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बात का, आपने करण सांगवान को सुना होगा जी। मैंने करण सांगवान का पूरा इंटरव्यू सुना। करण सांगवान वो लड़का है और युवा लड़का है जो मेरे ख्याल से 30-31 साल का होगा, जिसने हिमाचल प्रदेश से लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एक अध्यापक रहा और लॉ का ब्रिलियंट स्टूडेंट है। स्टूडेंट लाइफ में भी उसने बच्चों को पढ़ाया। केवल उसने अपने बच्चों से ये कहा कि चुनाव आते समय पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, अनपढ़ों को वोट मत देना। और उसने स्पष्टीकरण दिया कि पढ़े लिखे का मतलब मेरा होता है जो समझदार हो, जो राष्ट्र के प्रेम को जानता हो, राष्ट्र को एकत्रित समग्रित करना जानता हो, और उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। और उसकी पृष्ठभूमि जो उसने बताई, गांव की पृष्ठभूमि है, बड़ी मेहनत करके वो आदमी अध्यापक बना था, उसका जीवन बड़े शांतिपूर्वक चल रहा था, उसकी नौकरी केवल इसलिए खाली गई कि उसने कहा पढ़े लिखे। तो भैया पढ़े लिखे और समझदार लोगों को अगर वो कहते हैं कि सत्ता में आना चाहिए, उनका व्यक्तिगत विचार है, इसमें नौकरी से निकालने क्या बात है। तो इसमें कौन बुरा माना, क्यों बुरा माना, जिसके पास डिग्रियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, वो अनपढ़ और पढ़े लिखे पे बुरा क्यों माना। तो राजीव जी मैं ये देख रहा हूं, देखिए हम लोग बहुत ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं इंडिया टीम का और कांग्रेस का विश्लेषण, लेकिन वास्तविकता में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, आज के तारीख में एनडीए पूरी तरह से टूटी हुई है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई डिफेंडर नहीं है, कोई ऑफेंडर नहीं है। और इंडिया टीम में जिस प्रकार से संजय राउत वहां स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और शरद पवार, एक और जो चीज पहले से राजीव जी मैं कहता आया हूं, मैं आपको लिख के दे देता हूं, ये अजीत पवार इलेक्शन के पहले पूरा का पूरा एनसीपी ग्रुप लेके शरद पवार के साथ आ जाएंगे और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पैर पूरी तरह से उखड़ जाएंगे। या नोट कर लीजिए, गुजरात के अंदर भी बीजेपी में बहुत बड़ी फूट होने वाली है, मध्य प्रदेश में तो हो ही रही है, आपने देखा होगा आसाम के अंदर जो 3-4 बार के एमपी थे गोहेन साहब, उन्होंने अभी बीजेपी से रिजाइन तो नहीं किया है, लेकिन जो परिसीमन वहां पे हो रहा है उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल ये जो हो रहा है परिसीमन ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। 4-5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पूरी टूट हो रही है एनडीए में, और इंडिया जो है पूरी तरह से अडिग है, पूरी तरह से एकजुट है। और आप देखिएगा अभी आप एक धीरे धीरे देखिएगा कितना आनंद आएगा, और जब आप देखेंगे
प्रेम और सद्भाव जीतेगा और अच्छी तरह से जीतेगा जी।